नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव के खूंखार गैंगस्टर कौशल के बारे में, जिसे गुड़गांव पुलिस ने आज सुबह ही 4 बजे पालम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ फरीदाबाद के नवयुक्त पुलिस कमिश्नर के राव ने दोपहर 3 बजे फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक के राव एसटीएफ के चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कौशल स्पेन भागने की तैयारी कर रहा था। उसके पास से 14 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। 8 महीने पहले उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने उसके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप चला रखा था। इस समय हरियाणा का सबसे खूंखार गैंगस्टर के रूप में शुमार एसटीएफ के टॉप 10 गैंगस्टरों की सूची में भी कौशल का नाम है। आज के लिए बस इतना। नोटिस इशू करा चुके थे जिसमें अरेस्ट किया, उसी केस के बारे में एयरपोर्ट ने हमारे को इन्फॉर्म किया था कि ये आपने जो रेड कॉर्नर नोटिस लोकल नोटिस निकलवा रखा है, ये बंदा हमने यहाँ डिटेन कर लिया। जब मांगे तो पहले तो उनकी आपस में बातचीत चलती रही, उसके बाद इनकी बातचीत बिगड़ गई, गाली गलौज भी हुआ। उसके बाद जब उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा किसी भी सूरत में, तब ये मर्डर हुआ। नहीं, पुलिस अब तक कहते हैं कि इनका आपसी लेन देन का मामला, शुरू से पुलिस ये कहती है आपसी लेन देन का मामला। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आपने एक पार्ट देखा है, हम चोर को जब ये कहते हैं कि पकड़े जाने के बाद भी इसने चोरी की तो हमारी रिकवरी हो जाएगी, नहीं तो पुलिस के पास हर आदमी यही बोलता है कि हाँ जी मैंने की है, ठीक है। तो कई चीजें इन्वेस्टिगेशन का इस तरह से पार्ट होती है, जब तक आपस में नहीं साबित होती तब तक हम उसको क्लियर नहीं करते। नेक्स्ट कदम क्या होगा, तो कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, गुड़गांव वाले के सामने या फिर? देखिए ऐसा है कि अभी हमने एसटीएफ में गिरफ्तार किया है और फरीदाबाद पुलिस ने उसको इंटेरोगेट कर रही है। ये कोई पहल नहीं है कि भी कौन पहले करेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस की कार्रवाई है, हरियाणा इकट्ठी कार्रवाई है, इसके अंदर किसी इंडिविजुअल उसका नहीं है, सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए ये चीजें हम कोई शोपिया नहीं करते, ठीक है, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जब हम सेल्फ डिफेंस में कोई कार्रवाई करते हैं तो इसलिए आ जाता हूँ। अपराधी